गिर चुके हैं, आलू का लेट बुआई होना है। आलू की बुआई मतलब लेट हो गई है, लेट हो गई है। कितने दिन? करीब 10 दिन लेट हो गया। 10 दिन कम से कम। पहले कितने तारीख से करना स्टार्ट कर देते थे आप लोग? पहले बस 1 अक्टूबर से कर देते थे। 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से अब नहीं हो पाएगी? नहीं हो। मतलब हमने अक्टूबर का बताया, अक्टूबर भी में नहीं हो पाएगी? अब अक्टूबर में भी नहीं हो पाएगी आलू की बुआई? नहीं हो पाएगी। मतलब इतना लेट हो गया? वजह यही पानी है ना, देख रहे हैं जल स्तर, देख रहे हैं क्या स्तर, ज्यादा पानी हो गया है। पानी है, गिरेगा और काफी दिन तक गिरता रहेगा। इधर कोल्ड स्टोरों में आलू जो बचेगा। शॉर्ट नहीं पड़ सकता आलू? शॉर्ट हो सकता, शॉर्ट हो सकता आलू, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट होगा। तो फिर आलू का मतलब जिनका पास आलू रखा है वो बल्ले बल्ले कर दे, बल्ले बल्ले होगी 100% होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे साथ भैया, इतना बारिश हुआ है जिस जगह पे आया वैसा ही रुका पड़ा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक जगह पे बारिश में भींग भांग के गया था, वीडियो बना पाया है कोल्ड स्टोरों में जाकर के। ये बंगाल में कोई खास बारिश नहीं हो रहा है, बंगाल में ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है। बंगाल में जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है चाहिए कि आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं अपने क्षेत्र का बारिश का हालचाल बता दें मुझे, क्योंकि मैं इस बारिश से कुछ ज़्यादा ही परेशान है हो गया हूँ। आज मान के चलेगा आज मैं लगभग 10 तारीख से इधर पे आया हूँ। अभी जिस जगह से आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं इसको मिनी पंजाब बोलते हैं। मिनी पंजाब क्या है? ये शाहजहांपुर का एक तहसील है जिसका नाम है पुबाया। अभी आप लोग देख पा रहे हो बारिश का कहर। आप भाई साहब जिधर भी चले जाओ, हमें लगता है यूपी का कोई ऐसा जगह नहीं होगा, यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें इस बारिश का कहर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। भैया इतना बारिश हुआ है जिस जगह पे आया वैसा ही रुका पड़ा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक जगह पे बारिश में भींग भांग के गया था, वीडियो बना पाया है कोल्ड स्टोरों में जा करके। और अभी क्या है, यहाँ पर जो धान ये देख रहे हैं आप लोग ना, ये धान कटने के बाद में इसी खेत में आलू बोए जाते। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये लोग इतने एक्टिव हैं कि भाई साहब धान काट के 8 दिन के अंदर अंदर आलू की बुआई कर देते हैं उसी खेत में, सब तैयारी करने के बाद में। अभी यहाँ पर बुआई चलनी चाहिए थी, लेकिन भाई साहब यहीं की नहीं, बल्कि चाहे आप ऊना होशियारपुर ले लो, चाहे आप कहीं का भी ले लो, बुआई का भाई साहब बुआई वाला बात आप भूल जाइएगा। मतलब बुआई इस महीने में आप भूल जाइएगा मेरे हिसाब से भाई, जो कि 4-5 दिन पहले करीब ही लेगा वो इस महीने में, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि सितंबर में अब बुआई हो पाएगी। तो आलू में जो आलू के किसान थे, अगैती आलू की खेती करते थे, मान के चलिएगा उनका नुकसान पक्का है। कैसे नुकसान उनका है? उनका नुकसान इसलिए है कि भैया वो आलू अब सितंबर में नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आलू में उनका नुकसान हो गया। अब जिन भाइयों का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज में जिनका आलू रखा है ना, उनकी तो आप समझो बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले कैसी? इस समय अब उनके लिए बहुत अच्छा चांस बन रहा है, बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। अभी हमारा कानपुर मंडी में थोड़ा अपडेट लेने के लिए मैंने फ़ोन किया, उसके बाद में अदर जो है मंडियां हैं जैसे कि आज़ादपुर मंडी हो गया, बंगाल में फ़ोन किया, तो कानपुर मंडी से खबर आई है, मतलब पता किया है कानपुर मंडी में इस समय आलू जो है बहुत रफ्तार से बिक्री हो गया है और 100 से लेकर के 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वहाँ पर उछाल भी देखा गया है। और आलू की जो आमदनी थी वो जो है बहुत कम हो पाई है, मतलब जैसे पहले हो जाती थी 40-50 मोटर, आज हो पाई है 20-25 मोटर। अब मंडियों में आमदनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, आमदनी कम होने की वजह से अब आपको हर मंडी में रेट बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अभी आप लोगों को इधर का हाल भी दिखाऊंगा, इधर का पूरा एरिया जो मैंने घूमा है गाड़ी से, तो आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में लास्ट में क्या कुछ है। बाद बाकी आप लोग कुछ डिस्प्ले पर देख ही पा रहे हो, इधर बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आलू में अब जहाँ पर हम इस समय हैं ना, पुबाया में, शाहजहाँपुर यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहाँपुर, वहीं पुबाया, भाई साहब आपको बताएं यहाँ पर कट्टे पर
लगभग 100 रुपए का उछाल है कट्टे पर, मतलब 50 किलो के पैकेट पर 100 रुपए का उछाल है, तो कुंटल पर 200 रुपए का उछाल हो गया है। तो मतलब कि अच्छा खासा उछाल अब आपको आलू में देखने को मिल जाएगा। एक महीना आलू की बुवाई लेट है साहब। साथ में अब बात अगर आई गई है तो आप लोगों को बता देता हूं, कुछ दल्ले फर्जी यूट्यूबर, मतलब फर्जी उनको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक दिन वो था जो मैं उनको सिखाता था और वो ही हमसे सीखते थे और वो मुझे सौर सिखाने की बात कर रहे हैं। अरे जो तुम करते हो ना वो मैं करके भूल चुका हूँ। और सुनो, झूठ ना टिकता नहीं है, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है, सत्य परेशान होता है लेकिन जीत सत्य की होती है, और वो आपको एक दिन मैं करके दिखा दूंगा। अरे ओ दल्लों, अरे ओ बेवकूफों, मतलब अब हम तुमसे कह रहे हैं कब से तुम यूट्यूब चलाते हो, अरे तुम जिनसे बात करते हो जिनकी रिकॉर्डिंग लगाते हो उनसे जरा मेरे बारे में पूछना कि राशिद कौन है, फिर वो तुम्हें अच्छे से बताएंगे। खुल के बोला करो यार, हिम्मत है तो। तभी तो कहते हैं बैठे बैठे से कुछ नहीं होता है, बाहर निकल बैठ के देखो तब तुम्हारी आंखों की जो चर्बी है ना वो उतर जाएगी। जितने भी हो सबसे कह रहा हूं। चलिए किसान भाइयों, कोई नहीं, ये तो हमारी कुछ जो लोग हैं उनके लिए पर्सनल बात थी, इतने आपका टाइम बर्बाद किया उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अभी क्या है तो इस एरिया में मैंने पता किया, इस एरिया में राशन आलू जो है बहुत अधिक मात्रा में, मतलब कम है। तो एक बात बताऊँ, जैसे कि इधर आलू कम है, इधर आलू कम होने की वजह बताएं, इधर राशन आलू कम होता है बीजा ज़्यादा होता है, लेकिन यार आलू कम तो है, यह है तो अपने यूपी में। अच्छा अब जहाँ पर ज़्यादा आलू रखा हुआ है ना उनके दिमाग में यार चल रहा होगा राशिद यार कैसी बात कर रहे हो, आलू में अब नहीं तेजी आ सकती है। लेकिन भाई मैं बता दूँ, जब आलू आपके पास ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, जो लोडिंग यहाँ से होती थी ना अब वो लोडिंग आपके यहाँ से हो जाएगी। आप बिल्कुल बेचिंत रहिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कतई हमें नहीं लगता है आने वाले समय में अब आलू में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। दिक्कत नहीं मिलेगी, एक महीना बुवाई लेट है और ऊना होशियारपुर भी थोड़ा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अपना पूरी यूपी में जो अगैती आलू लगता था वो इस बार नहीं लग पाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आज तो अभी 13 तारीख हुआ है, 14 तारीख को भी बारिश है, 15 तारीख को भी बारिश है, और अभी भी आपको अब बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाते और जानकारी देते हैं। ये सीन जो देख रहे हैं ये खेत का हाल है जिसमें कि धान की कटाई हो चुकी है, और हमारे साथ इस क्षेत्र के भाई साहब लोग हैं, थोड़ा सा परिचय करेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम हरवेल सिंह है जी। हरवेंद्र सिंह? हरवेल सिंह। हरवेल सिंह जी। कौन सी जगह है ये? सिकंदरपुर गांव है जी, जिला शाहजहांपुर में। अच्छा अच्छा, यहाँ पर अभी जो है कितने दिन से बारिश हो रहा है? ये जी परसों से बरसात हो रहा है। परसों से? 11 तारीख से बरसात। कितना हुआ है लगभग? काफी हो चुका है, देखिए आप सामने खेतों की देख रहे हैं हालचाल कैसा क्या है, मतलब खूब ज्यादा भर गया है, जल स्तर की व्यवस्था पूरी रात पानी गिरा है, आज पूरी रात भी गिरा है और 11 तारीख से बरस रहा है। बरस रहा है। अच्छा लगभग इससे क्या क्या चीज में नुकसान हुआ है? सबसे बड़ा तो धान में नुकसान बहुत ज्यादा, इसमें खड़ी फसल के अंदर गन्ने सारे गिर चुके हैं, आलू का लेट बुवाई होना है। आलू की बुवाई मतलब लेट हो गई है? लेट हो गई। कितने दिन? करीब 10 दिन लेट हो गया। 10 दिन कम से कम भी। पहले कितने तारीख से करना स्टार्ट कर देते थे आप लोग? पहले बस 1 अक्टूबर से कर देते थे। है? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से अब नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, मतलब हमने अक्टूबर का बताया, अक्टूबर भी में नहीं हो पाएगी, अब अक्टूबर में भी नहीं हो पाएगी आलू की बुवाई? नहीं हो पाएगी सर, मतलब इतना लेट हो गया। वजह यही पानी है ना, देख रहे हैं जल स्तर, देख रहे हैं क्या है, ज्यादा पानी हो गया है, पानी है गिरेगा और काफी दिन तक गिरता रहेगा। इधर कोल्ड स्टोरों में आलू जो है क्या कितना बचा है? कोल्ड स्टोरों में अभी 50% है। 50%, उसमें बीजा भी तो होगा? बीज अलग है। बीज अलग है? स्टोर में आलू ज्यादा नहीं बचेगा, शॉर्ट नहीं पड़ सकता आलू? हाँ, शॉर्ट हो सकता, शॉर्ट हो सकता आलू, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट होगा आलू। तो फिर आलू का मतलब जिनके पास आलू रखा है वो बल्ले बल्ले कर दे, बल्ले बल्ले होगी, 101% होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे साथ में भाई लोग हैं, और ये राहुल भाई कहाँ पे हैं हम लोग इस समय? हम लोग इस समय शाहजहांपुर में हैं,
और सील वाया में ये लोग जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ही उन्नतशील किसान है, बहुत हाईटेक से आलू करते हैं लोग जी। तो हम लोग पूरी टीम यहाँ पे फील्ड विजिट और भाई साहब से मिलने आए हैं तो काफी अच्छा लगा, क्या टेक्नोलॉजी है और इनका आलू करने का कुछ अलग तरीका है। ये देख लीजिएगा आप लोग, ये जो खेत है धान का है और इस धान में ये जो अगर सूखा होता तो आज इसकी जुताई होके तुरंत इसमें आलू बुवाई का काम होता। और इधर ये आप जो है गन्ना देख रहे हो, ये पूरा का पूरा गन्ना का खेत जो है गिर गया है और पानी तो बाकायदा आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। अच्छा अभी नुकसान की इधर बात की जाए तो धान में बहुत सारा नुकसान है, धान में बहुत काफ़ी नुकसान है। अभी जो है बंगाल से जो अपडेट लिया था आपको मैंने कहा था बताएंगे, बंगाल की अपडेट ऐसी है बंगाल में कोई खास बारिश नहीं हो रहा है, बंगाल में ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है, बंगाल में हल्का फुल्का रुक रुक के बारिश हो रहा है। और वहाँ पर जो आलू के भाव थे लगभग अभी वही चल रहे हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि एक बंगाल में डर बैठा हुआ है कि भाई बंगाल में अगर आलू का रेट ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पर मतलब कि रोक लगा दिया जाएगा, तो उस डर के वजह से आलू जो है थोड़ा वहाँ पर वही रेट चल रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, चाहे कहीं का भी हो अगर यही पोजीशन बनी रही तो आने वाले समय में आलू शॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि समय एक महीना मिल गया है और समय एक महीना बुवाई लेट होगी तो एक महीना बाद ही आलू मार्केट में आ पाएगा, जिससे कि कोई व्यापारी दबाव नहीं बना पाएगा और आलू का रेट अच्छा मिल रहा है और मिल जाएगा, ये हकीकत है। तो अभी हमारे साथ में एक भाई जी हैं, थोड़ा उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। जैसा कि अभी जो है जो नुकसान है यहाँ पर काफ़ी हद तक धान की फसल में नुकसान है, अभी भैया बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुआ था और यही नहीं बल्कि पूरे यूपी के ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ बारिश नहीं हुआ है और अच्छा खासा बारिश हुआ है। और आप लोगों को इस क्षेत्र में जितना भी आलू को लेकर के आलू किसान हैं और आलू के कोल्ड स्टोरेज हैं, आपको एक एक करके सारे कोल्ड स्टोर में मैं भ्रमण करवाऊंगा और यहाँ की जानकारी आपको पक्का दूंगा। नुकसान बहुत है धान की फसल में, नुकसान बहुत है अगेती आलू की फसल में, यही आप लोगों को अपडेट देना था। अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर के आते हैं।